टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर, दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। हजरत खान साली वार्ड क्रमांक 36 के अंदर गुलशन नगर गली नंबर 7 के अंदर ये डीपी आए दिन मतलब जला करती थी, जिससे कि यहाँ क्षेत्रवासियों को मतलब वोल्टेज कम मिलता है, जिसके कारण कई बार इनकी मतलब फ्रीजर वगैरह जल गए, मतलब वॉशिंग मशीन जल चुकी है, मोटर जल जाती है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती रहती है। तो ये सिलसिला अभी 8 दिन से चल रहा था। ईद उल अजहा के दिन मतलब जो बकरा के दिन उन्होंने डीपी ला के लगाई थी, लेकिन छोटी डीपी लगी थी, पुरानी डीपी थी वो भी जल गई। आज हमने अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने आज मतलब बड़ी डीपी लेकर आया, 100 डीपी लग रही है। मेरे एनजीपी प्रशासन से मेरा निवेदन ये है कि मतलब ये जो मकान है ये डीपी आप जो लगाते हैं मकान के बाद पूरे झुकी गई देखिए आप सामने, ये पूरे खंभे ना मकान के बजे किसी दिन मतलब डीपी को जनाने नुकसान हो सकता है। ये मकान पर कभी डीपी गिरती है, इलेक्ट्रिक का कुछ करंट होने गिरता फैलता है तो यहाँ पर जनानी हो सकती है। तो मेरी मतलब एनजीपी प्रशासन से गुजारिश है कि आपने जिस तरह आज मतलब नई डीपी लगाया 100 की, इसी तरह से मतलब इस पर या तो शिफ्ट दूसरिया किया जाए, या तो स्कूल ना स्कूल तार को मतलब खींच के थोड़ा दूर किया मकान से थोड़ा दूर किया जाए, वरना कुछ ऐसा हो सकता है अंदेशा लगे कि कहीं ना कहीं जनहानि हो सकती है, हानि हो सकती है। 6 नंबर गली में हमें तकलीफ आती है, लाइट अंगारे गिरती है, अंदर अगर कभी बच्चे निकलते करते तो बाहर जलते साथ बच्चे डरते हैं, बच्चे डरते हैं यहाँ पर झुक रही है बोलो ना, और ये मकान से ज्यादा झुक रही है, मकान झुक रही आगे कई दिन बाद बोलो ये मकान को तो डीपी ने पूरा घेर के रखा है, पूरा मकान गिर जाएगा किसी दिन। तो आप क्या चाहते हो? ये डीपी को हटा के और नई डीपी डाले और खम्भे नए डालो तो डीपी को सही करवाओ, नए से जरा दूर डीपी करवाओ। टाइल्स चाहिए हो या फर्नीचर, चले आइए क्लासिक टाइल्स एवं राजस्थान फर्नीचर, इलाहाबाद बैंक जो अब न्यू इंडियन बैंक है, पंधाना रोड पर, दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते।